Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इन इक्वेशन में टॉपिक इंटरवल्स की फोर्थ एग्जांपल। और बच्चों स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x 2 upon x minus 2 लेस देन x प्लस 2 upon x minus 2 लेस देन 1। तो बच्चों यहां पर हमें इन इक्वालिटी गिवन है और इसको हमने x के लिए सॉल्व करना है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो बच्चों इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि बच्चों हमने पिछली एग्जांपल्स में किया था कि अगर हमारा न्यूमिनेटर में 1 प्रेजेंट ना हो, जैसे कि यहाँ पर 2 और x प्लस 2 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो बच्चों हमने क्या करना होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करना होता है। ठीक है, ये बच्चों हमने केस पीछे बनाया था। अगर बच्चों हमें पता है कि अगर ये हमारा न्यूमिनेटर है यहाँ पर कि 1 भी प्रेजेंट है और अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम चाहें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में किया था कि अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई और नंबर हो जैसे कि 2 हो तो उसको हम रेसिप्रोकल करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर न्यूमिनेटर में 2 है या फिर कोई अनदर नंबर है और डिनोमिनेटर में 0 है तो बच्चों वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। और बच्चों जो हमारा नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसकी एक कन्फर्म वैल्यू नहीं आएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें चाहिए कन्फर्म वैल्यू। ओके, तो इसलिए बच्चों हम एक्स माइनस टू को जो कि डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे here x minus 2 not equal to 0 and then we get x not equal to 2। okay बच्चों हमें इस equation से क्या बना, क्या मिला हमें कि हमने minus 2 को transfer किया right hand side में तो बना हमारा x not equal to 2, मतलब कि x 2 के equal नहीं हो सकता। अगर बच्चों x 2 के equal नहीं हो सकता तो बच्चों हमारी कंडीशन ये बनती है कि या तो x 2 से ग्रेटर हो सकता है या फिर x 2 से लेसर हो सकता है। तो बच्चों यही दो केसेस को हमने आगे करना है। तो बच्चों केस हमारा 1 बनेगा और केस 1 में हम x ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन को लेट करेंगे। तो बच्चों लेट x ग्रेटर देन 2। अब बच्चों ये लिखने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमें गिवन इनइक्वालिटी है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 upon x minus 2 लेस देन x प्लस 2 upon x minus 2 लेस देन 1। और बच्चों फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इस टाइप की हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाए कि हमारे पास दो जो पार्ट्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड और मिड वाले में, मतलब टू पार्ट्स में अगर डिनोमिनेटर सेम हो और बच्चों हमारा जो थर्ड पार्ट है वो सिंगल हो, मतलब वहां पर डिनोमिनेटर ना हो, तो बच्चों हमने क्या करना होता है कि जितना डिनोमिनेटर है उतना ही इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो बच्चों हमारा डिनोमिनेटर कितना है, एक्स माइनस टू। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स माइनस टू ईच पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और मिडल वाले पार्ट में बच्चों हम x माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 upon x minus 2, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस टू। ओके, और बच्चों ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा, लेस देन का x प्लस 2 upon x minus 2, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस टू, लेस देन यहाँ पर बच्चों 1 है और इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस टू। तो बच्चों x माइनस टू अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर x माइनस टू है, यहाँ पर x माइनस टू है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रिमेनिंग नंबर बचेगा 2 और यहाँ पर लेस देन हमारा लेस देन रहेगा, x माइनस टू कैंसिल हुआ, रिमेनिंग हमारा बच गया x प्लस टू। और बच्चों यहाँ पर 1 into x minus 2, ये हमारा बनेगा x माइनस टू। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें इस टाइप की फॉर्म हमारी पिछली एग्जांपल्स में बनी थी। तो बच्चों यहां देखें कि यहां पर 3 पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड
राइट हैंड और मिडल। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक्स प्रेजेंट हो तो उसको हमने हटाना होता है, कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट हो उसको हमने रिमूव करना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म्स तो प्रेजेंट है लेकिन साथ में एक्स भी प्रेजेंट है, ओके। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ओनली कॉन्स्टेंट टर्म हमारी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों इस टाइप के केस में हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर ना तो हम एक्स को ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस फॉर्म को हम स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में। तो बच्चों जब हम स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर टू लेस देन, ओके टू लेस देन, इसको और इसको हम एक साथ रख लेंगे टू लेस देन एक्स प्लस टू, ओके। उसके बाद बच्चों मिडल वाले पार्ट को और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम एक साथ रख लेंगे, उन दोनों को सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स प्लस टू लेस देन एक्स माइनस टू। अब बच्चों इसको हमने सोल्व करना है तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें ये टू हमारा ये टू है आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ हमारा बाकी बचेगा जीरो एंड लेस देन एक्स एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा बाकी बचेगा, देखें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा टू लेस देन माइनस टू। और बच्चों ये हमारी फॉर्म क्या बन रही, देखें इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, ओके। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी ये फॉर्म बनी है, ये फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो हमारा टू है वो माइनस टू से लेजर है। तो बच्चों ये हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बच्चों हो सकता था, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी होती जीरो से ग्रेटर होती तो एक्स की वैल्यू वन टू थ्री और हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती। लेकिन बच्चों यहाँ पर टू माइनस टू से लेजर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन क्या बन गई, विच इज इम्पॉसिबल कंडीशन, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कंडीशन। और बच्चों अगर हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन बनती है तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होता है, फाइव, ठीक है, खाली सेट होता है हमारा। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज फाइव, ओके। तो बच्चों हमारा ये केस वन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं केस टू, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं केस टू। तो बच्चों यहां पर हमने लेट करना है कि x लेस देन टू, उसके बाद बच्चों जो हमें गिवन इनइक्वालिटी है उसको यहां पर लिख लेना है टू अपॉन x माइनस टू लेस देन x प्लस टू अपॉन x माइनस टू लेस देन वन। अब बच्चों फिर हमने क्या करना है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब कि जैसे कि हमने केस वन में किया था, तो बच्चों यहाँ पर जो हमने कंडीशन लेट करी है, हमारा जो केस बन रहा है वो है x लेस देन टू। तो बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो ये हमारा साइन है ये चेंज हो जाएगा, अभी ये लेस देन है तो ये कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन में, ओके। तो बच्चों हमने फिर क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखना है, देखें ऐसे टू अपॉन एक्स माइनस टू इन टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन, आई एम सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू एंड ग्रेटर देन वन इन टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मैंने ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया, तो ये बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में और पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि ये ग्रेटर देन का साइन कब लगता है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर x माइनस टू आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये रिमेनिंग क्या बचेगा, टू ग्रेटर देन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और बच्चों वन इन टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। अब बच्चों यहाँ पर भी हमने स्प्लिट कर लेना है इसको, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2 greater than x plus 2 and x plus 2 greater than x minus 2, ठीक है। अब बच्चों यहां से हमारा क्या बनेगा, यहां से हमारा बन जाएगा और 0 less than x and बच्चों यहां से हमारा बन जाएगा इस फॉर्म से कि x से x कैंसिल हो जाएगा 2 greater than minus 2। तो बच्चों यहां पर ये यह हमारी जो फॉर्म बन रही है ये बन रही है कि जो x है वो जीरो से लेसर है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि x लेस देन जीरो, तो बच्चों x है वो जीरो से लेसर है
और बच्चों यहाँ पर है कि 2 ग्रेटर देन माइनस 2, तो बच्चों ये हमारी जो कंडीशन है ये पॉसिबल है कि 2 हमेशा ही माइनस 2 से ग्रेटर होगा। तो बच्चों हमने क्या करना है कि इससे तो हमें ये चल गया पता कि ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है, इस फॉर्म से हमें क्या चल गया पता कि ये जो हमारी कंडीशन है ये पॉसिबल है, और बच्चों इस फॉर्म से हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर है कि x की जो वैल्यूज है वो 0 से लेस है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये नंबर लाइन है और ये रहा 0, ये -1, ये -2, ये -3, और बच्चों ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। और बच्चों 0 के राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, और बच्चों ये किसको अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो बच्चों यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो 0 से लेस है, तो ये रहा 0, और 0 से जो लेस वैल्यू है उसके लिए हमें ट्रेवल करना होगा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो बच्चों हमारी जो वैल्यूज है वो -1, -2, -3, और कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक, ओके। तो बच्चों इसलिए हमें ये चल गया पता कि जो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो किसको अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी को। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ to 0, ओके, -∞ to 0, एंड देयर फॉर स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, देयर फॉर सोल्यूशन सेट इज -∞ to 0, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था कि हमने केस 1 और केस 2 का जो हमारा सोल्यूशन सेट था उसको हमने यूनियन से कंबाइन किया था, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा केस 1 था उसका जो सोल्यूशन सेट आया वो आया 5, वो खाली आया, तो इसलिए हमारे केस 2 का जो सोल्यूशन सेट होगा वही इस इन इक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट, -∞ 0, और हम लगाएंगे ओपन इंटरवल क्योंकि 0 है, और बच्चों 0 था यहाँ पर साइन ओनली क्या है, लेस देन का है, x लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर हमारा लगेगा ओपन इंटरवल। तो बच्चों में पता है कि -∞ के साथ हमेशा लगता है ओपन इंटरवल। तो बच्चों आई होप कि आपको फोर्थ एग्जांपल समझ आई होगी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.